तो अपन लोग सवाल करेंगे अगला सवाल क्या. अच्छा वो चार सर्कल वाला सवाल पिछले दिन किया था. तो अगला सवाल मैं देता हूं कि इफ टू परपेंडिकुलर रॉड्स आर स्लाइडिंग इन अ सर्कल सच दैट एंड पॉइंट आर ऑफ रॉड लाई ऑन देन फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल. सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है. पहले एक बात याद रखो कि मैंने यहां भी आपका नाम याद कर याद दिलाया था जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन. तो मैंने बोला था कि जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन आएगा तो वहां इसका क्या मतलब हो जाएगा. दो परपेंडिकुलर लाइन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस. जब यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने एक टू परपेंडिकुलर लाइन यहां पे मैंने बोला था टू परपेंडिकुलर लाइन. जब भी सवाल में ये बोले कि दो परपेंडिकुलर लाइन है इसका मतलब ये होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन या दो परपेंडिकुलर रॉड इसका मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस. और ये सवाल ऐसा है ना कि इसको आप फिगर बना लिए तभी सवाल सही से बनेगा. फिगर बनाना बड़ा कठिन है इस सवाल का. जरा से एक बार ट्राई करिए फिगर बनाइए कि देखिए कैसे बनता है. हाँ देखिए आप जैसे कि अगर दो सवाल के कहने का तरीका होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई या दो परपेंडिकुलर रॉड्स हो गया मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया. उसके कहने का तरीका है कहने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसी चीज तो है नहीं. ये तो हमारे लिए हमारे जानने की चीज है. हम इसको मूव करा सकते हैं हटा सकते हैं ले सकते हैं. और दो परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. ऐसे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन लेने पे हम एक मान लेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक मानेंगे वाई इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स प्लस सी. इसमें अपने आप में काफी कठिनाई बढ़ जाएगी. बात समझ में आ रही है. तो इस तरह से हम इसको पहले परपेंडिकुलर लाइन बोला है तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए है. ठीक है जरा फिगर बनाइए. फिगर बनाना बस कठिन है. अगर एक बार फिगर बन गया तो इसका सवाल बहुत आसानी से बन जाता है. बंद कर दीजिए अभी. आप लोग सुनिए कि यहां पे क्या है कि दो परपेंडिकुलर रॉड बोल रखा है तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे. तो एक तो ये भी आपके पास फिगर रेडी है. ये भी फिगर आपके लिए काम करेगा कि यहां से पास होते हुए ये चला गया. ये भी फिगर बिल्कुल परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इस फिगर में ऐसा स्पेशल हो जाएगा कि अगर आपने इसको ओरिजिन मान लिया है तो ये लगेगा कि जो भी इस सर्कल का इक्वेशन आएगा जो भी ये सर्कल होगा वो स्पेशली ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसा फील हो रहा है. लेकिन सवाल में ये बात नहीं बोला है कि जो भी ये सर्कल है वो दोनों रॉड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ये सवाल बोला नहीं है. हाँ हमने अगर हमने मान लिया है तो ये हमने थोड़ा सा सवाल को स्पेसिफाई कर दिया है. मतलब एक फिक्स जगह लेके चले गए कि जो भी ये सर्कल है वो कहां से पास होने लगा रॉड के इंड पॉइंट से रॉड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने लगा. जबकि ये सवाल में ऐसा कुछ बोला नहीं है. तो इसके लिए दूसरा एक तरीका हो सकता है कि ऐसे एक सर्कल ये बन जाए. अरे बात समझ में. देखो अभी भी ये रॉड है और ये इनके इंड पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है. या तीसरा अपना फिगर अगर हम बनाए तो तीसरा फिगर ये बन सकता है कि ये सर्कल है ये एक रॉड है और एक ये रॉड है. देखो एक ये रॉड है ये अगर रॉड ए बी है और ये वाली रॉड सी डी है तो ये दोनों रॉड भी आपका परपेंडिकुलर है और रॉड के इंड पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है. बात समझ में आ रही है. तो तीनों में से कोई भी फिगर से लेके चल सकते हैं. हम इस फिगर से इसलिए लेके चलना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि सर्कल आपके रॉड के इंड पॉइंट से जा रहा है. अगर हमने इसको 0.0 मान लिया है तो हमारे लिए आसानी भी हो गई कि हमने रॉड दोनों अलग अलग रॉड भी हैं और ये सर्कल कहीं और से पास हो रहा है इसके 0.0 से पास नहीं हो रहा है. यानी सर्कल के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक बात नहीं है. अगर ऐसा है अब अच्छा इसी सर्कल के का सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है. क्या निकालना है इसके हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए एच कामा के. थोड़ा सा सावधानी से निकालेंगे इसको एच कामा के. अच्छा अगर हमने ऐसा ये है तो इतनी लंबाई ए बी जरा बताओ ए बी क्या इस सर्कल द्वारा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट है क्या. इसीलिए तो किया गया है लेंथ ऑफ
एक्स इंटरसेप्ट है। और ये चीज आपका हर जगह काम करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फिगर में काम करेगा। देखो यहां भी काम करेगा, ये एक्स इंटरसेप्ट है, यहां भी काम करेगा कि यहां भी और यहां भी। देखो ये अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये भी इतना यहां से यहां तक एक्स इंटरसेप्ट है और यहां से यहां तक वाई इंटरसेप्ट है, है या नहीं है? कॉन्सेप्ट अभी भी बिल्कुल नहीं बदला, यहां से यहां तक y इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट, यहां भी ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। और यहीं से ही CD जो दूसरा रॉड हो गया वो हो गया लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। अच्छा, आपको पिछले दिनों मैंने इंटरसेप्ट का फार्मूला बताया था कि अगर x इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या था, इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना था, 2√j²-c। अच्छा, अगर यही इसको हम स्पेशली लेके चलते तो सी क्या हो जाता, अगर इस वाले सर्कल को लेके चलते तो सी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। अरे तो कुछ स्पेसिफाई हो जाता है सवाल, अरे बस समझ में, इसी से इसको बचा लिया हमने कि ये ले लिया। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√√ में। अच्छा, जिस सर्कल के बारे में ये बात हो रही है उस सर्कल का सेंटर क्या है, नहीं इस, हाँ मतलब क्या है, h का मके, या अगर इसके रेफरेंस में हम बात करें तो इस सर्कल, हाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, h का मके इज नथिंग बट माइनस g का मा, आ रही बात समझ में। और किसका हमें लोकस निकालना है, एच कमा सर्कल का, सर्कल के सेंटर का, एच कमा के का, यानी माइनस जी कमा माइनस एफ का, माइनस जी और माइनस एफ का हमें लोकस निकालना है, आ रही बात समझ में। और यहां से सी एक्स्ट्रा चीज है, अगर ये सी इलिमिनेट हो जाता तो काम बन जाता। अच्छा, मैंने सवाल में कुछ गड़बड़ किया है क्या, टू परपेंडिकुलर रॉड, हाँ आर स्लाइडिंग, ये भी सही है, स्लाइड तो कर ही रहे हैं, टू परपेंडिकुलर रॉड ऑफ लेंथ, ये मैंने छोड़ दिया, ऑफ लेंथ ए एंड बी, रॉड की लंबाई दे रखा है बिना बिना इसका दिए, हाँ ये ए और ये कितना है बी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बी, आई बात समझ में। अच्छा, अब बताओ यहां से जी और एफ का तो लोकस चाहिए ही, तो जब जी जहां आएगा उसको मैं लास्ट में एक्स स्क्वायर कर दूंगा और एफ को क्या कर दूंगा वाई स्क्वायर, लेकिन किसको इलिमिनेट कर दो यहां से, सी को, सी को इलिमिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा, क्या ये जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू और ये एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय टू, बोलो सही है, बी स्क्वायर बाय टू नहीं फोर, सही है ना, क्या किया जाए यहां से, क्या कर दें माइनस कर दे, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, क्या ये जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, बोलो बात समझ में आई। और यही माइनस जी के जगह पे एक्स रखना है ना, यही माइनस जी के जगह पे एक्स और माइनस एफ के जगह पे के, तो ये जी के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर। आपको याद होगा तो मैंने बोल रखा है कि लोकस के सवाल में आपका जो कांस्टेंट गिवेन हो उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए, याद है कि नहीं याद है, जो भी आंसर आए वो जो कांस्टेंट गिवेन हो उसी के टर्म में आए, अपने पास कांस्टेंट ये गिवेन है, मैं पहले बार सवाल में छोड़ दिया था, मुझे ध्यान नहीं था, तो ये आपका ए और बी के लेंथ के टर्म में आया है। ये आपका आखिरी में जो आया है जब हम थोड़ा और पढ़ लेंगे तो ये बताएगा कि ये लोकस इज ना, ये एक हाइपरबोला के इक्वेशन है, किसके इक्वेशन है, हाइपर, अच्छा ये भी हाइपरबोला, कोई भी हाइपरबोला नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल फॉर्म है हाइपरबोला, ये वो वाला हाइपरबोला है, ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा कोई इक्वेशन, तो वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यही बीच में प्लस हो जाएगा तो एलिप्स या सर्कल, आगे बात समझ में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो इलिप्स, और ए और बी नीचे वाला बराबर हो गया, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर हो गया तो सर्कल, आगे बात समझ में, जैसे देखो यहाँ पे सर्कल का फॉर्म है तो सर्कल हो जाएगा या हाइपरबोला या इलिप्स, इसके टर्म में रहेगा, बात समझ में आई अभी सवाल। तो जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर रॉड जब बोलेगा तो आप ध्यान रखना कि उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चलना है, इसको लेके नहीं चला क्योंकि सी को ही इलिमिनेट करना था, यहाँ पे सी ही गायब हो जाता, क्या हो जाता, बात समझ में आ रही है, चलो नोट कर लो फटाफट। सवाल है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एफ ईओ, ईओ सी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंट, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन जीरो कामा जीरो एंड
एंड हैविंग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, हैविंग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज 2a एंड 2b, आई थिंक सबका आ गया ना आंसर, तो 2a एंड 2b ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, x एक्सिस और y एक्सिस पे ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट करता है। इसका मतलब ये हुआ, फटाफट अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो ये आपके पास ये कह रहा है कि ये आपका भाई कोई सर्कल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई एक सर्कल है जो ऐसे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, ये वाले लंबाई आपको 2a दे रखा है और ये आपका ये लंबाई 2b दे रखा है, इसका सेंटर मैंने मान लिया माइनस जी का माइनस एफ हो गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेकिन सेंटर से ओरिजिन से पास होने की वजह से सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू जीरो, अगर जी और एफ की वैल्यू निकाल ले तो काम बन जाए। तो जी और एफ के लिए बोल रखा है कि एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई 2a और वाई इंटरसेप्ट की लंबाई 2b है, तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2a, मतलब 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2a, सी की वैल्यू तो जीरो है, 2 से 2 कट गया, जी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो जी बराबर आ गया प्लस माइनस ए, और ऐसे ही y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई आपके 2b, और ये भी 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2b, ये आपका c की वैल्यू जीरो हो गया, एफ स्क्वायर c बराबर जीरो हो गया, एफ स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, f बराबर प्लस माइनस b, कुल मिला के चार इक्वेशन आ गई, क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी के जगह पे डाला प्लस माइनस 2a डाल दे हमने, प्लस माइनस बी वाई के एफ के जगह पे आपका बी, प्लस माइनस टू बी वाई इक्वल टू जीरो, तो कुल कितने इक्वेशन आ गए, चार। ये मोर देन वन चॉइस में जब सवाल का आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कुल मिला के चार ऑप्शन है, एक प्लस प्लस वाला, एक प्लस माइनस वाला, एक माइनस प्लस वाला, एक माइनस माइनस वाला, चार ऑप्शन, और ये ऑप्शन ये आता है, मतलब मैं कराऊंगा सवाल अभी थोड़ी देर में ही, आपका जो आईआईटी में आया हुआ सवाल है तो उसको अभी करेंगे। अगले आते हैं टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका ये है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो बच्चा क्या है ना कि देखो अपने पास एक ये सर्कल है, मैंने पहले ना सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूं, सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, मैं मतलब देखो दो तरीके से इस बात को कर सकता हूं। पहले मैं थोड़ा आसान से शुरू करता हूं, एकदम आसान से शुरू करता हूं कि एक मैंने सर्कल का इक्वेशन लिया, एक मैंने सर्कल का इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इस सर्कल का सेंटर कहां ला, सेंटर क्या है, ओरिजिन, इसका सेंटर है ओरिजिन जीरो कामा जीरो, आई बात समझ में, इसका सेंटर है ओरिजिन जीरो कामा जीरो, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस आर है, तो ये आपका आर हो जाएगा, ये माइनस आर कामा जीरो हो जाएगा, ये जीरो कामा आर हो जाएगा और ये जीरो कामा माइनस आर हो जाएगा, कुल मिला के तो बस ऐसी में लिख रहा हूं। अब कोई एक पॉइंट है, तो जैसे मान लो कोई पॉइंट है एक्स वन कामा वाई वन, क्या है एक्स वन कामा वाई वन, इसका सेंटर से हमने डिस्टेंस को लिखा कि ये थोड़ी देर के लिए पी है, क्या है डिस्टेंस, पी है, और यहां से यहां की डिस्टेंस हमको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है आर, अगर 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 इफ पी की वैल्यू आर से बड़ी तो पॉइंट कहां, पॉइंट पी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आर से बड़ा तो सर्कल पॉइंट कहां, सर्कल से बाहर, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, बहुत बढ़िया। सेकेंड नंबर का, अगर आपका पी की वैल्यू आर के बराबर हो गया ये तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कहां हो जाएगा,
पॉइंट ऑन द सर्कल, सही है, सर्कल है, इसको कई बार सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, और यही आपका पी आर से छोटा हो गया तो पॉइंट कहां हो जाएगा, इनसाइड, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब एक मैं बात पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट में x1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी ये आ गया, कितना आ गया, p की वैल्यू। अब p स्क्वायर की वैल्यू कहूं तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, चलेगा क्या इतना। अच्छा जरा देखो, ये मैं इसमें पहले वाला जो केस है, दूसरा जो केस है, तीसरा केस है, अगर मैं पहला केस की मैं बात करूं तो पहला केस को अगर मैं सोचूं तो p ग्रेटर देन r, तो क्या मैं p स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर कर सकता हूं क्या, बोलो कर सकते हैं। अच्छा p स्क्वायर की जगह पे कौन आया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर। अच्छा बच्चों जरा बताओ, यहां पे मैंने r स्क्वायर किधर भेजा तो क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया क्या। सेकेंड वाला क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड वाला हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, और थर्ड वाला हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लेस देन 0, बोलो ये होगा कि नहीं। अच्छा जरा देखो, क्या ऐसा क्या लग रहा है कि x1 y1 को उठा के इसमें रख दिया गया है क्या, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या इतना मेहनत करने के बजाय इस x1 y1 को इसमें सीधे रख दे तो काम बन नहीं जाता, और रखने के बाद हम ये चेक कर ले कि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाए का मतलब, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसमें रखने के बाद देखेंगे, पॉजिटिव आएगी तो बाहर, इक्वल टू जीरो आएगा तो उसके ऊपर, निगेटिव आएगा तो अंदर, तो इतना सारा मेहनत करने के बजाय सिर्फ ये काम किया जाए। यानी दूसरे चीज जो असली बात काम की बात ये है कि थोड़ा सा नोटेशन हम यहां पे ध्यान रखेंगे, एक नोटेशन मैं यहीं पे बता रहा हूं, एक नोटेशन कि जैसे अपने पास अगर सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल है एक्स स्क्वायर है, किसी भी कर्व के लिए बात है, वाई स्क्वायर प्लस, अब मैंने ले लिया टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये हम इससे डिनोट करते हैं कर्व को, 2gx plus 2fy plus c, आई बात समझ में, हम s से डिनोट करते हैं। देखो अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं तो ये इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट है, यही होता है ना मतलब, इसका आपका फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो इक्विवेलेंट, ये तो ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये s की वैल्यू हम लिखते हैं ये, ठीक है बात समझ में आ रही है। और जब किसी पॉइंट को इसमें पुट करते हैं तो अलग अलग किताबें बताती हैं कि कोई कहती है एस डैश से डिनोट करते हैं, कोई कहती है एस वन से डिनोट करते हैं, यानी क्या जब हम इसको पॉइंट को पुट कर देंगे एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, बोलो बात समझ में आया। अच्छा अभी अगर पहला केस, अगर यही एस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब पॉइंट को उठा के कर्व में रख दिया, क्या क्या पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दिया, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जो पॉइंट P है वो है आपका x1 कामा y1, इसी की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर बाहर होगा। अगर यही सेकेंड सीधे उठा के रख दिया, जीरो की वैल्यू आई तो क्या कहेंगे, पॉइंट ऑन द सर्कल, बहुत बढ़िया। तीसरा, अगर यही एस वन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो पॉइंट कहां हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल, बोलो बात समझ में आया। अब एक्चुअल में बात यही होती है कि जब आपके पास सर्कल का एक इक्वेशन दिया हो और बोले कि कोई पॉइंट है वो अगर अंदर लाई कर रहा है तो सीधे उठाकर उसमें सीधे सर्कल में उस पॉइंट की वैल्यू रख दो, ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे मैं एक सवाल को दिखाता हूं, कैसे सवाल कैसे पूछेगा, जैसे मान लो पूछा फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट पॉइंट लेमडा कामा लेमडा लाई इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू जीरो,
आई बात समझ में। तो ये क्या करना है, सीधे उठा के इस पॉइंट को उसमें रख देना है और सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करके लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। जरा निकालो आप लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यू। हाँ, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता हो, ठीक है ना। तो आप जरा सा निकाल के देखें क्या आएगा। तो क्या बोला हुआ है, पॉइंट लेमडा कामा लेमडा इनसाइड द सर्कल। फटाफट देख लेते हैं इनसाइड द सर्कल, एक मिनट लगेगा इसको करने में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू जीरो। एस बराबर आपने लिखा होगा, एस बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50, और आपका एस वन हो जाएगा लेमडा वाली, लेमडा कामा लेमडा उठा के पुट कर देंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 50, यानी ये S1 की वैल्यू हो गई 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 50। सवाल में बोला है कि ये जो है कि इनसाइड में लाइक कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी इनसाइड के लिए, और यहां से 2 कॉमन हो गया तो लेमडा स्क्वायर माइनस 25 लेस देन जीरो, हमने कॉमन कर लिया 2 उधर भेज दिया, और यहां से फैक्टराइज लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 5 लेस देन जीरो, और आगे हमें कराने की जरूरत नहीं है, माइनस 5 से प्लस 5 के बीच में, सही है ना हिसाब। तो इंटीग्रल वैल्यू बोल रखा है, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 डॉट 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 1 2 3 4। अरे बात समझ में ना, अब पूरा लिख ही दे जब लिख दिए इतना, तो यहां वाला ये है माइनस 5 5 प्लस माइनस प्लस, ये वाली निगेटिव वाली चीज ये आ गई, ठीक है। ये तो अपने पास ये सवाल हो गया, फिर अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, व्हाट वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ए कामा ए प्लस 1 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एबव द लाइन, एबव द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इन पूरा बात को मिलाकर ऐसे भी लिख सकता है कि इस स्मॉलर पार्ट ऑफ लाइन इस वन और दिस वन, स्मॉलर पार्ट के लिए बोल सकता है। जब हम फिगर बनाए दोनों का, तो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, सर्कल का सेंटर आपका 0,0 है, तो आपका एक सर्कल बन गया, और सर्कल की रेडियस कितनी है, बोलो 2,2 है रेडियस इसका, ये 0,0 सेंटर हो गया, रेडियस 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट 2,0, ये माइनस 2,0, नीचे वाला 0,-2, ऊपर वाला 0,2, सही है। अब अपने पास बोला हुआ है लाइन, लाइन को देखे तो कैसे पास होगी, तो दो तरीका है, डबल ऑर्डिनेट ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो, ऐसा था क्या, एक्स इंटरसेप्ट 2 और वाई इंटरसेप्ट 2, या दूसरा तरीका वाई बराबर 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू 2 आ गया, तो 2,0 हो गया, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो वाई बराबर 0 मतलब 0,2 हो गया, तो लाइन यहां से पास हो रही है यहां से, और यही कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट आप इसके स्मॉलर पार्ट में लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर और लाइन के ऊपर, आई बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे कोई पॉइंट है a,a+1, तो सबसे पहले तो ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो पहली कंडीशन जो आ गई अपने पास कि a,a+1 इनसाइड द सर्कल, और सर्कल के इनसाइड है तो लेस देन जीरो, ये हो जाएगा एस वन लेस देन जीरो। एस वन का मतलब अपने पास है कुछ एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4, सही है ऐसा। क्या ये 2 ए स्क्वायर दिख रहा है इकट्ठे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पे 2 ए दिख रहा है सबको, माइनस 3 लेस देन जीरो, कुछ और कर नहीं सकते, यानी हमको a की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 28 आ रहा है, बी स्क्वायर मतलब 4 और ये आपका 24, हाँ माइनस माइनस 4 प्लस 2 4 ac 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 2 ए, सही है क्या ऐसा, माइनस 2 प्लस माइनस 28 आ रहा है ना ये, तो 2 रूट 7 बाई 2 4 4, तो ये 2 से 2 पूरा कट गया, a बराबर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 7 बाई नहीं सॉरी
माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू। अब ये नंबर लाइन सिस्टम में खींचो तो एक कहीं एक ही वैल्यू माइनस वन माइनस रूट सेवन बाई टू होगा, एक कहीं माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू होगा। बोलो सही है बात इतनी। अच्छा ये आपका ये प्लस माइनस प्लस, अपने को निगेटिव वाला चाहिए क्या? तो ये अपने पास ये वाला आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, यहां से ए बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस वन माइनस रूट सेवन बाई टू कामा माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू। मैं थोड़ा सा ना इंटरेस्टेड हूं रूट सेवन की वैल्यू लिखने में, क्या होती है रूट सेवन की वैल्यू? कुछ टू पॉइंट सेवन के आसपास आएगी क्या? जरा सोचो तो 2.5 का कितना होगा? 625। अरे 25 का कितना स्क्वायर होगा? 625। और 26 का कितना होगा? 676। अरे 26 का, अरे ये स्क्वायर स्क्वायर कैसे 6 6 12 12 2 12 और 24 24 1 25। हाँ मैंने क्या 6 6 करते हैं ना, मैंने क्या फॉर्मूला नहीं बताया था एक दिन, ए बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर और कैरी करता रहेगा अपना ये एलसीएम। तो क्या हो गया 36 26 का 6 6 36, 3 एलसीएम लिया 3। हाँ देखते हैं फिर ये 6 2 12 12 2 24 24 और 3 27 नहीं 76 आएगा 676 और 2 2 के 4 और 2 6 676 आई बात समझ में। 27 का तो देखो ये 700 के लगभग है, है नहीं है? तो ये आपका 2.6 के आसपास इसका आएगा 2.6 के आसपास। हाँ तो ए बिलोंगिंग टू, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं ताकि ये माइनस वन माइनस 2.6 बाई टू, ये माइनस वन प्लस 2.6 बाई टू और ये कितना हो गया आपका ए बिलोंगिंग टू, ये कुछ माइनस 3.6 बाई टू हो गया और ये माइनस 1.6 बाई टू हो गया। ये सब क्यों लिखा हुआ बताता हूं। अभी ये सब चीजें हमने किसके लिए किया है, इतनी सारी बातें हाँ तो अब इसके लिए सारी बातें सर्कल के लिए क्या रखे अभी तक। अब हम काम करेंगे लाइन लाइन का। हमने कहा था अगर एक पॉइंट जब भी आपके पास आए तो आप एक पॉइंट का पोजिशन यूं ही मत बताना, एक पॉइंट का पोजिशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना कि वो ओरिजिन के साइड है या ओरिजिन के अपोजिट साइड है। ये ओरिजिन के अपोजिट साइड है, ओरिजिन के साइड नहीं है। ओरिजिन के साइड होता तो ये लाइन के नीचे होता, यानी आप ओरिजिन के अपोजिट साइड है, यानी पॉइंट जो है पॉइंट अपोजिट टू ओरिजिन ऐसा है। तो ओरिजिन को रखो एल जीरो जीरो रखो, लाइन में जीरो कमा जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस जीरो माइनस टू निगेटिव आ गया क्या? तो हमको जब पॉइंट रखेंगे एल के अंदर ए ए प्लस वन रखेंगे तो ये क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। एल की वैल्यू कितनी है भाई? दे सबको ये तो समझ आ रहा होगा कि एक्स प्लस वाई माइनस टू है, इधर करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा एल में एल ए प्लस ए कामा ए प्लस वन लेस देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यहां मैंने गलती नहीं करा है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस वन माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। क्या आया ये 2a माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब a ग्रेटर देन माइनस हाफ। आई बात समझ में? हाँ प्लस वन बाय टू, वन बाय टू से बड़ा। अच्छा ये बताओ ये माइनस 1.6 है मतलब माइनस 0.8 है क्या? अरे ये है नहीं है। और ये कह रहा है कि एक माइनस 3.6 से माइनस वन, मतलब ये सिर्फ निगेटिव नंबर है क्या? नहीं निगेटिव नहीं है, सॉरी मेरे से गलती हुआ है, ये 1.6 है। सही है, आएगा वैल्यू आएगा ना। अब देखो ये 0.8 के आसपास है और ये 0.5 के आसपास है, सही है। अब मैं इन दोनों का हाँ तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देता हूँ एक लाइन में कि एक कह रहा है, इसीलिए मैंने उतना मेहनत ऊपर में किया था। हाँ एक कह रहा है कि ये है आपका माइनस वन माइनस रूट सेवन बाई टू जो कि इक्विवेलेंट है आपका माइनस 3.6 बाई टू के, और एक इक्विवेलेंट है यहाँ पे 1.8 माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू, यानी लगभग इक्विवेलेंट है 0.8 के। सही है ऐसा 1 बाई टू यहाँ का ही होगा। एक कह रहा है कि इनके बीच में दौड़ना है और एक कह रहा है कि ये 1 बाई टू से बड़े के लिए दौड़ना है। तो इंटरसेक्शन कितना आया 1 बाई टू से लेके माइनस वन प्लस रूट सेवन बाई टू। आई बात समझ में? जब भी आपके साथ ऐसी दिक्कतें आए ना तो आप इनको यहां ही लेके मत चलो, थोड़ा सा इनकी वैल्यू लिख के यहां मेहनत करो ताकि देखने में आसानी हो जाएगी कि कौन है। अदरवाइज हमको सिर्फ ये लिखना होता तो हमारे लिए डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता कि ये 1 बाई टू से बड़ा है कि छोटा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए जरूरी है कि आप इनको बिल्कुल क्लियरली थोड़ा सा लगभग आसपास की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लें। बात समझ आ रही है? तो ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं, मैं इसको हटाता हूं। लिखो लिखो अगला सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन है, इफ 0.x1, y1, x2, y2, and x3, y3 are 3 points, are 3 points in a plane where x1 and y1 and x2, y2 are 2 fixed points. Then find position of x3, y3 if x3 minus x2 plus y3 minus y2 less than 0। सवाल बहुत बढ़िया है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, सोचना पड़ेगा पूरा। तब आपको x3 y3 का पोजीशन बताना है, अगर x1 y1 और x2 y2 फिक्स कोई पॉइंट है तो। जरा बताएं क्या आएगा आंसर। देखो क्या है, ये जो है ना कि यहां पे ये फील दे रहा है कि ये वाला जो फील है वो आपका डायमेट्रिक फॉर्म का फील दे रहा है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का, डायमेट्रिक फॉर्म। ऐसी बातें देखो वही आई थी कि x-x1, x-x2, y-y1, y-y2 डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, उसी का ये फील है। अगर ऐसा कुछ होता x-x1, x-x2 plus y-y1, y-y2 less than 0, ऐसा अगर ऐसा होता इक्वल टू 0 तो ये क्या होता, एक सर्कल होता जिसका की डायमीटर क्या हो जाता x1, y1 और आपका एक होता x2, y2, ये तो डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाता और एक ऐसा सर्कल होता। और ये कह रहा है कि अब इसमें x3, y3 इसके अंदर इसमें पुट कर दो, पुट करते ये वाली चीज मिल जाएगी। और x3, y3 का अगर लेस देन 0 यानी s लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब पॉइंट कहां हो गया, अंदर हो गया। पॉइंट कहां हो गया, अंदर हो गया। एक और बात है x3, y3 एक और बात है कि यही सवाल ये भी बोल सकता है कि दिस मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि देखो ऐसे बोलता है कि x1, y1, x2, y3, x3, y3 ऐसे आर थ्री पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट x3, y3 मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल विथ x1, y1 एंड x2, y2। मतलब ये x3, y3 इससे और इससे कितना का एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। देन प्रूव दैट x3 दिस वन लेस देन 0। यहां पे 90 होता, ऊपर जाता है एक्यूट होता, नीचे जाता तो ऑब्ट्यूस होता, तो भी थॉट यही रहता। सवाल क्या बोलता कि ये तीन पॉइंट्स है, बस यहां पे बोलता कि x3, y3 मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल विथ दिस वन एंड दिस वन, देन प्रूव दैट दिस वन, तो भी थॉट यही रहती। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, अगला जो अपने टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। नहीं, अभी तीसरा दिन तो है, इसी हफ्ते में तो स्टार्ट हुआ है, तीसरा लेक्चर है, इसी हफ्ते में स्टार्ट हुआ है, तीसरा चौथा लेक्चर है, बस सिर्फ चौथा लेक्चर, आधा बस दो लेक्चर बाद स्टार्ट खत्म हो जाएगा आधा पे, अभी तो ये चौथा लेक्चर है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस
किसी पॉइंट का क्या होगा, कुल मिला के तीन केस बनेगा। ऐसे केसेस में तीन केस बनेंगे, मैं तीनों केस आपको यहां पे दिखाता हूं। पहला केस मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल से अपने पास ये कोई पॉइंट है, इस सर्कल से कह रहा है कि इस सर्कल से इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। देखो हम ये भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी। अब इनमें से ये बताना है कि भाई इसकी सर्कल से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो हाँ, बहुत सारे डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, मतलब हम यहां से यहां तक बिल्कुल डायमीटर के साइड पे जाए और डायमीटर से यहां से लेके ये वाले डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये वाले डिस्टेंस होगी। अगर मैं थोड़ी देर कहूं कि सर्कल का रेडियस आर है और यहां अगर ये पी पॉइंट है और ये अगर ओ है, मैं ओपी वाले डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि एल है, अगर मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, और रेडियस सर्कल का रेडियस अगर, क्योंकि कोई भी सर्कल होगा तो उसका रेडियस हम निकाल ही सकते हैं, आर है, तो बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक वाली मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी होगी, और यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस आर, और मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम, बिल्कुल सही बात है, एल माइनस आर। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, अगर हम लिखे कि क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी लाइन या डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसे हम कहें कि एक लाइन, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, पॉइंट और सेंटर से पास होने वाली एक लाइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो इसकी आ रही बात समझ में, और यही आपका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट मैक्सिमम देगा, और डायमेट्रिकली जो डायरेक्ट वाला पॉइंट होगा वो मिनिमम देगा। आ रही बात समझ में, तो अगर ये हम कहें ए, तो एपी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा यहाँ पे, और अगर हम इसको बी कहें तो बीपी डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा। बात समझ में आया। सेकेंड वाला मैं लेता हूं, सेकेंड थॉट यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर पॉइंट ऐसा हो जाए कि पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर जाए, क्या कर जाए, अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर गया, मान लो यहां पे पॉइंट पी लाई कर गया, ये अभी भी सेंटर है यहां पे, इसका रेडियस अभी भी आर है, तो अभी इसका मैक्सिमम डिस्टेंस आपका यहां कहीं आपका ये पॉइंट है, आ रही बात समझ में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा टू आर इज इक्वल टू ए पी, और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि लाई भी इसी पे कर गया, तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में। तीसरे केस पे अगर हम बात करें, तीसरा केस ये कहता है कि मान लो कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर गया, ये पॉइंट कोई जो पी है वो सर्कल के अंदर लाई कर गया, अभी भी सेंटर यहां है, अभी भी रेडियस इसका ये ओ है, रेडियस अभी भी आर है, और ओपी के बीच का डिस्टेंस एल है, मतलब ओपी बराबर अभी भी मैंने एल निकाल रखा है। देखो सर्कल दिया रहेगा तो सेंटर हमको पता रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहां से रेडियस अपने को निकाल लेंगे, सर्कल होगा तो रेडियस भी निकाल लेंगे, और रेडियस आपका आर हो गया, तो बोलो मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी, इसका अपोजिट डायरेमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट ये ए मैक्सिमम देगा क्या, और ये बी होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस डायरेमेट्रिकली यहां से लेके यहां के बीच में मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस एपी हो जाएगा, और एपी की वैल्यू कितनी, एल प्लस आर, और मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ना अरे ऐसा मत कर, आर माइनस एल, ये डिस्टेंस मिनिमम है बीपी, सही है, आर माइनस एल, अगर तुम मॉडुलस लगा दिए होते तो मैं मान लेता, अरे बात समझ में ना, मॉडुलस लगा लेता मैं मान लेता, लेकिन ये आर माइनस एल ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। अब सवाल जरा बना दो आंसर फटाफट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6.8 फ्रॉम द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। देता हूं बस आंसर, मैक्सिमम कितना था 15 और मिनिमम कितना था 5, ठीक है। अगला सवाल,
इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर से बढ़िया सवाल है, आपको बनाने का मैं पूरा मौका दूंगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इफ 18 स्क्वायर यूनिट एंड ए बी पैरेलल टू सी डी विथ ए बी जो है सी डी के डबल है, ये अपने सीट में भी सवाल मिल जाएगा, अच्छे मतलब एक्सरसाइज सेकंड हार्ड ब्रेन टीचर्स वाले में, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले में मिलेगा, ए बी इक्वल टू टू सी डी और एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी डी देन एंड अ सर्कल ड्रॉन सच दैट इट टचेज ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सवाल आसान है, मतलब थोड़ा सा बस ये आपसे धैर्य की परीक्षा करवाता है, सवाल आसान है बस आपसे धैर्य की परीक्षा करवाता है, मतलब आप थोड़ा सा इत्मीनान से इसको निकालने की कोशिश करें, कैलकुलेशन की तरफ बढ़े, जब बढ़ेंगे तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपका पेशेंस की, ये आपका पेशेंस चेक करता है कितना आप पेशेंस के साथ सवाल के साथ डील कर सकते हैं, बस यही है आपके पास और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो क्या सवाल दे रखा है, ए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर 18 स्क्वायर दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है अपने पास, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ए बी की ए बी सी डी का दो गुना है, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, एक आपका ये है और एक ये है, ठीक है ना, ये दो गुना है, ये आपका दो गुना है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि ए डी जो है, ये अगर मैं कहूं कि ये ए बी है और ये सी डी है तो ना सीधा जाएगा ना क्वाड्रिलेटरल, तो ये सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो AD मतलब A को D से ज्वाइन किया गया और ये AB पे भी परपेंडिकुलर और CD पे भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अच्छा ये जहां पे मैंने बोला था कि जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन दिख जाए, एक और बात बोला आखिरी में कि सर्कल ड्रॉन सच दैट टचेज ऑल साइड, मतलब इन सबको टच करने वाला एक सर्कल खींचा गया, ऐसे समझ में, सभी साइड को टच करते हुए एक सर्कल खींचा गया। अच्छा अगर मैं यहां से, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि ये चीज आपका जब दो परपेंडिकुलर लाइन दिख जाए ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के डिस्टेंस के लिए ना, आप पोजीशन और डिस्टेंस में अंतर ये है कि अगर पोजीशन पूछता तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस है तो हम पता है कि अगर मैं इसको ओरिजिन भी मानता हूं तो इसकी रेडियस या इसका सर्कल कुछ बदलने वाला नहीं है, डिस्टेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगी, इस पूरी को शिफ्ट करके वहां लेके जाओ कहीं भी लेके जाओ, डिस्टेंस तो हमेशा चेंज नहीं होगी, मेंटेन रहेगी। यह हो गया आपका 0.0। अब यहां से यहां तक की लंबाई मैं मान लेता हूं कि 2a है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा इसका ये से आपका ये मैं पक्का समझ आ रहा होगा कि ये आपका इसका डायमीटर हो जाएगा, सेंटर कहीं यहां होगा, अगर मैं इसका रेडियस r मान लेता हूं तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, आर कामा, बोले बात समझ में आई, अरे कोई दिक्कत यहां तक, अच्छा ये 0.0 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोई बताएगा क्या हमें, इसका कोऑर्डिनेट 0.2r, अरे ये वाली ऊंचाई ना, r और r 2r, अच्छा एक सेकंड, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a.0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा सर, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, a.2r, यहां से यहां तक चला a, ये वाला a चला ऊपर, 2r चला a.2r, अब यही मैं बोल रहा था, ये डिस्टेंस निकल जाएगी। अच्छा अब ये है r, तो ये वाली वैल्यू अपने पास 2r है और ये वाली वैल्यू कितना है, a है, एक यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। अच्छा एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सही होता है ना, इनटू हाइट,
अच्छा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2a+a, सही है, a प्लस 2a इंटू हाइट कितना है 2r, ये कट गया, बराबर कितना सवाल में दे रखा है अपनी तरफ से 18, तो ये 3ar इक्वल टू 18, तो ar की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बच्चों सही है इतना। अब दूसरा यहां पे पाइथागोरस लगा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर मान लू कि ये आपका कोई m है, तो इन ट्राइंगल CMB आपका हो जाएगा CMB, ये कितना CM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, सही है। अच्छा ये वाली वैल्यू आपका 4R स्क्वायर हो गया, CM का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू A स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली कितना हो जाएगा 2A-A, A का स्क्वायर अरे अरे बात समझ में, प्लस 4R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, कुछ नहीं मिला, ले कुछ नहीं मिला, बराबर हो गया ना, इधर उधर बराबर हो गया। अब क्या करें, तब समस्या तो बढ़ गई, समस्या तो काफी बढ़ गई, कैसे टाइम पूरा भी हो गया, टाइम भी काफी आगे निकल गया। दूसरा तरीका बताता हूं, अगर ऐसे नहीं तो दूसरा एक तरीका सोचो, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना, इसको मैं हटा दिया, सेंटर कोऑर्डिनेट कितना आर कमा आर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर, होगी नहीं होगी, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन आप बीसी लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा y-y1 0 इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2 a-2a इंटू x-2a, सही है, x-x1 यानी ये हो गया y बराबर, ये तो शायद आपका 2r/a x-2a, इसको मैं इधर भेज दिया -ay=2rx+-4ar, बोलो सही है, ar की जगह पे कितना पुट कर दिया 6, अरे है कि नहीं अपने पास, तो क्या आ गया ये 2rx-+ay -4 × 6=0, यानी 2rx+ay -24=0, बोलो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, अरे सर्कल का प्रॉपर्टी होती है ना ये बात, कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर। अगर मैं इस सेंटर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो कोई और कोई है क्या, एम मान लिया है, एन मैंने मान लिया सेंटर को, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस एक लाइन और, इसके बाद से आपको ही आंसर निकालना रहेगा, क्या कर दूं मैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एन टू बी सी इज इक्वल टू आर, सही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, क्या होता है किसी भी लाइन अपने पास है, कितना है उधर लिखा हुआ है 2rx+ay −24=0 और सेंटर का कोऑर्डिनेट है आर का मार, सही है, रख दे क्या हो गया 2r² + कितना ए आर −24 / नीचे में कितना अंडर रूट में 4r² + a² सही है इज इक्वल टू कितना आर, बोलो ये घटेगा, ये 6 हो जाएगा ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये आपका फाइनली आ गया। इसके बाद बस थोड़ा सा काम करेंगे, एक ar की वैल्यू आ चुकी है, अब यहां से ये 2r² + −18 = r अंडर रूट में ये अपने पास क्या है 4r² + a² दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करके r और a में दो इक्वेशन आ गई, देखो अब एक नहीं आ गया, या वहां से r की वैल्यू उठा के 6/a ठीक है, वही r के टर्म में बन जाएगा, फिर a की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, या a की वैल्यू r के टर्म में लिख लेंगे तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगा, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, अब यही है आपको बना लेना आंसर, निकाल लेना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना, बस काफी टाइम हो गया आज। Prince